अस्सलाम वालेकुम हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ फलकनाज फ्रॉम कर्नाटका इंडिया से। वेलकम बैक टू माय चैनल कर्नाटका व्लॉगर फलकनाज किचन। में मैंने मैं यहाँ पर आज आप सबको गाजर का हलवे की रेसिपी देने वाली हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये है 500 ग्राम गाजर जिसको मैंने धोकर ग्रेट कर लिया है। धोकर ग्रेट करें, ग्रेट करके ना धोएं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। मैं इसे पैन में बना रही हूँ, आप चाहे तो कुकर में बना सकती हो, लेकिन मैं एक सजेस्ट करूँगी डियर फ्रेंड्स, ग्रेट किया हुआ गाजर पैन में बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैन में 2 स्पून घी लिया है, आप चाहे तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने 2 स्पून लिया है। इसमें मैं मेवे डालूँगी, जैसे कि मैंने लिया है पे बादाम, काजू और किशमिश। किशमिश इसलिए क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ किशमिश अपने हिसाब से लिया है। आपको जो भी मेवे पसंद है आप यहाँ पर ले सकते हो। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है डियर फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा भूनकर इसे निकाल लेना है। इसी जो मैंने घी डाला है ना, उसी में मैं जो ग्रेट किया हुआ गाजर है उसको ऐड कर लूँगी। ये जल्दी से गल जाते हैं पैन में, क्योंकि हमने इसे ग्रेट किया हुआ है ना, तो इसलिए। तो सारा जो गाजर है इसमें ऐड कर लूँगी। इस सीज़न में बहुत अच्छे से अच्छे गाजर आए हैं, कैरेट आए हैं, लेकिन ये लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको कलर लाइट लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा कलर है माशाल्लाह। तो देखिए इस तरह से मैंने पैन में जो घी था उसी में ग्रेट किया हुआ गाजर डाल लिया है। इसी में मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 ग्लास दूध, जो कि बहुत ही मीडियम हीट है, मतलब गर्म वाला नहीं है, रूम टेम्परेचर का है, तो मैंने इसे ऐड कर लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। एक्चुअली गाजर का हलवा दूध में ही बनाया जाता है, तो इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, ठीक है। 2 से 3 मिनट इस तरह से चलाकर अच्छे से मिक्स करके इसे मैं 8 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी डियर फ्रेंड्स। ये इसी में पक जाएगा, देखिए कितने जल्दी से पकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा डियर फ्रेंड्स। मैंने झटपट बना लिया था गाजर, बहुत ही अच्छा बना था। देखिए अच्छे से गल गए हैं, दूध सारा चूस लिया है और वो गल गए हैं, देखिए है ना। तो इसका कलर भी थोड़ा सा दूध में पकने से चेंज हो गया है इस तरह से। तो बहुत सारे लोग कलर भी ऐड करते हैं, लेकिन कलर ना ऐड करें, जो नेचुरल है वही कलर गाजर का अच्छा लगता है। तो मैं इसके बाद ऐड करूँगी मावा, जो कि मैंने घर में प्रिपेयर किया है। ये मिल्क पाउडर का मावा है डियर फ्रेंड्स, आप चाहे तो फटे हुए दूध से भी बना सकते हो, लेकिन ये मिल्क पाउडर का मावा गाजर के हलवे में अच्छा लगता है। तो इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए इसको सारे को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाऊँगी। जो मावे के साथ मिक्स होकर पकेगा वही अच्छा रहेगा गाजर का हलवा। तो इस तरह से मावे के साथ मिलने के बाद इसका कलर थोड़ा सा लाइट आया है ना, वाइट वाइट आया है, लेकिन एंड में जो है गाजर का हलवा बहुत अच्छे से निकलता है। इसमें मैंने कोई भी कलर ऐड नहीं किया हुआ है। 500 ग्राम गाजर में मैंने 1 कटोरी यानी 20 ग्राम ये शुगर है, इससे भी मैंने थोड़ा बचा लिया है, क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से जितना मुझे मीठा चाहिए उतना मैंने ऐड कर लिया। ये 5 से 6 इलायची हैं जिसका मैंने पाउडर बनाया है, इसके बाद मैं ऐड कर लूँगी। इसे अच्छे से पकाऊँगी ताकि शक्कर का जो कच्चापन है वो चला जाए। मैंने 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से पकाया है, देखिए अच्छे से कलर आ गया है ना। तो इसे ढककर रख दूँगी, देखिए। तो फ्लेम को बंद करना है और इसे दम छोड़ देना है। इस तरह से मावे ऐड करना है और 1 स्पून मैंने घी ऐड किया हुआ है यहाँ पे, जो बचा हुआ घी था मैंने इसमें ऐड किया और इसे अच्छे से हिलाया है। अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे फ्लेम बंद करके जो इसका स्टीम है ना, इस तरह से दम छोड़ दूँगी ताकि हलवा जो है परफेक्ट निकले। आप देखिएगा कलर कितना अच्छा से आया है, बहुत ही परफेक्ट, और खुशबू तो लाजवाब थी। आप यहाँ पे इलायची की जगह आप कुछ भी फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हो, लेकिन इलायची ही बढ़िया रहती है, ठीक है ना। तो इस तरह से परफेक्ट सेट हो गया है। मैं इसे ढक कर फ्लेम बंद कर दूँगी और देखिए, और ये अच्छे से दम हो गया है। इसे ठंडा होने के बाद मैं सर्व करूँगी, क्योंकि गाजर का हलवा जो है ना ठंडा ही अच्छा लगता है डियर फ्रेंड्स, गर्म अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है ना, कितना अच्छा बना है, रियल कलर आया है ना। तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता है मैं कर्नाटका से हूँ, मैं हूँ फलकनाज फ्रॉम कर्नाटका से। आजकल जो भी हिजाब के बारे में कर्नाटका में जो चल रहा है वो आप सब जानते हो, अनजान नहीं हो। ये हमारा हक है, पहले से हम पहनते हैं अब नहीं, ये हमें अलो होना चाहिए।
हमें ही नहीं बल्कि हर वो जो अपना अपना मज़हब रखते हैं उनको सारी बातें अलो होनी चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सबको मिलकर यहीं पर रहना है सरजमीं पर। तो इस तरह से एक दूसरे की खिल्ली ना उड़ाएं, एक दूसरे के ऊपर वार ना करें, बस मिलजुल कर रहें, ये हमारा हक है। हमें इंशाअल्लाह हिजाब अलो हो जाएगा, इंशाअल्लाह हम सब दुआ कर रहे हैं और हम मोमन हैं, हमारी दुआ खाली नहीं जाएगी क्योंकि हम हक पर हैं। किसी का छीना नहीं आज तक, तो किसी को हमने बदनाम नहीं किया है। इस्लाम पाक होता है, हिजाब भी पाक है, ये हमारा सर ढकने की हमारी निशानी है, हमारी शान है, हमारी इज्जत है। तो हमें हक है, पूरा हक है कि हम हिजाब पहने, ठीक है। पहनना नहीं पहनना ये हमारे ऊपर है, लेकिन ये तो हमारा हक है, आप नहीं कह सकते हो कि हम ना पहने, ठीक है। तो ये सच बात है, हम तो ऐसा नहीं करें कि ओपन फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग बुरा ना समझें, हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आज मैंने गाजर की रेसिपी के साथ अपना ये जो मैसेज है छोड़ा है, इसलिए क्योंकि हमारे रिश्तों में हम सब में मिठास रहे। प्लीज़ मीठा मुँह कीजिएगा, हमें हमारे ज़िंदगी हमारे तौर से जीने दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।